शो कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन को उसका 4था करोड़पति मिल गया है। जी हाँ, बिहार के गया जिले के रहने वाले अजीत कुमार केबीसी के 4थे करोड़पति बन गए हैं। अजीत कुमार केबीसी में आने के लिए बीते 18 सालों से कोशिश कर रहे थे। 18 सालों की लंबी कोशिशों के बाद केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचने में वो सफल हुए। अजीत कुमार पेशे से एक जेल अधीक्षक हैं। गेम की शुरुआत से लेकर अंत तक अजीत बेहद शानदार तरीके से अपना गेम खेलते रहे, लेकिन वो भी 1 करोड़ के सवाल के बाद 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने गेम शो क्विट कर दिया। बता दें कि अजीत कुमार के ज्ञान और उनके खेल के तरीके से अमिताभ बच्चन भी काफी इम्प्रेस हुए। गेम शो के दौरान अमिताभ उनसे कहते रहे कि आप बहुत अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाकी के कंटेस्टेंट्स को अजीत कुमार से इंस्पिरेशन लेने के लिए भी कहा। बता दें कि अजीत कुमार से पहले इस सीजन में बिहार के 2 और लोग 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। केबीसी के अब तक के इतिहास में ये पहली बार है जब बिहार के लोगों ने एक ही सीजन में 3 बार 1 करोड़ रुपए जीते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस सीजन में तो 1 करोड़ रुपए जीतने वाले अजीत कुमार ने शो के दौरान अपने बारे में क्या क्या दिलचस्प बातें शेयर की। 16 साल तक भारतीय रेलवे में नौकरी करने के बाद समाज सेवा के लिए अजीत ने 40 साल की उम्र में अपना पेशा बदल दिया। जीती राशि से वो सबसे पहले अपना एक खुद का घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आधी जिंदगी किराए के घरों और क्वार्टर्स में निकली है और बाकी के पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। आपको बता दें कि अजीत कुमार जेल अधीक्षक हैं। पहले वो रेलवे में अधिकारी थे। हाल ही में उन्होंने एग्जाम पास कर ये नौकरी अपने नाम की है। अब आते हैं गेम शो पर। अजीत जब 1 करोड़ के सवाल पर पहुंचे तो उनकी एक लाइफ लाइन बची हुई थी। जब उन्हें इस 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने में दुविधा हुई तो उन्होंने अपनी बची हुई लाइफ लाइन 50-50 की मदद से 1 करोड़ रुपए का सवाल पार कर लिया। अजीत कुमार ने 7 करोड़ के सवाल पर गेम क्विट कर दिया। 7 करोड़ रुपए के लिए अजीत कुमार से पूछा गया था कि एक दिन में 2 अलग-अलग T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 अर्धशतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। इस सवाल के लिए ऑप्शंस थे ए नवरोज मंगल, बी मोहम्मद हफीज, सी मोहम्मद शहजाद या डी शाकिब अल हसन। इस सवाल पर अजीत कुमार ने अपना गेम क्विट कर दिया। अजीत ने शो में बताया कि मेरे मन में भी पहले कैदियों को लेकर काफी डर था। मुझे लगता था कि मारपीट और लड़ाई होती होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अजीत ने खेल के दौरान बताया कि वो केबीसी में आने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें केबीसी में आने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि जब केबीसी की ओर से उन्हें कॉल आया तो उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन की बात करें तो अब तक 4 करोड़पति में से 3 करोड़पति बिहार के ही हैं। सबसे पहले इस सीजन के करोड़पति बने सनोज कुमार। सनोज कुमार बिहार से हैं। इनके बाद दूसरी करोड़पति बबीता ताड़े बनी, जो महाराष्ट्र की है, जबकि तीसरे करोड़पति बिहार के गौतम झा बने और अब चौथे करोड़पति यानी कि अजीत कुमार भी बिहार से ही है। HS News के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।